1991 का एक्ट याद दिलाते हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आप कह रहे हैं वो सही है, लेकिन जो सीमाएं तय करने के लिए भी उसमें एक ऑप्शन है, ये भी सुप्रीम एक बात सुनिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट में रिफ्लेक्ट किया आज के ऑर्डर में अपने, बताइए आप। नहीं नहीं, आप बताइए सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा वो बात, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि अगर किसी ज़ोरास्ट्रियन या किसी जगह पर किसी और मज़हब का निशान मिलेगा तो क्या चेंज हो जाएगा क्या वो? चेंज नहीं करता। हाँ ठीक है, वही से तो नहीं कर सकते। इसका ऑब्जेक्शन अहमदी साहब ने लिया, और उस आप पढ़ लीजिए क्या कहा जजेस ने, बोले कि हम मिसाल दे रहे हैं तो वो ऑर्डर का हिस्सा नहीं है। तो 91 का एक्ट क्यों बनाया गया? 91 का एक्ट बनाया गया टू प्रिवेंट फ्यूचर कॉन्ट्रोवर्सीज। और हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो जो बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, हम पूरे कोर्ट्स को चाहेंगे कि उसको इम्प्लीमेंट करें। वो 91 का एक्ट भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया उसको। और जो अंग्रेजी में कहते कि वॉक द टॉक होना चाहिए अभी। लेकिन सर आप इसको बार बार फाउंटेन है बोल के बोल रहे हैं, मेरे बॉस ये तो ऑब्जर्वेशन है ना कि ये शिवलिंग माना जा रहा है। नहीं, वो देखिए, जो कोर्ट के जज ने बगैर मुस्लिम पक्ष को सुना, बगैर सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट जज साहब के पास गई, जज साहब ने दूसरी पार्टी जो दौड़ती उनके पास गई, उनको सुना, और बगैर मुसलमान को जो पार्टी है उसमें इंतजामिया कमेटी, बगैर सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट में उन्होंने गलत ऑर्डर दिया। इसीलिए सुनिए, ये सुप्रीम कोर्ट में बात रखी गई और हम सुप्रीम कोर्ट ने अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास इस केस को भिजाया है और हम उम्मीद करते हैं कि वो फेयर तरीके से इन तमाम चीज़ों को सुनेंगे। लेकिन आप तो सर डिटरमाइन कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं, नो नो, आप अरेंजमेंट करने के लिए नहीं नहीं नहीं, आप गलत कह रहे हैं। क्या वो ऑर्डर का हिस्सा है आज के? नहीं नहीं, देखिए जो जजमेंट में कहा जाएगा वही फॉलो किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने एक मिसाल देकर कहा अगर आप ये बोलेंगे कि मस्जिद में किसी और की निशानी मिल जाएगी तो क्या मस्जिद का कैरेक्टर चेंज हो जाएगा? वही नहीं नहीं नहीं, नो नो, ऐसा नथिंग डूइंग। वो गलत, आप लोग गलत रीड कर रहे। आप किसी भी सीनियर लॉयर को बिठाकर पूछ लीजिए जो मुझसे काबिल है, वो बोलेगा कि 91 एक्ट ये कहता है कि नेचर एंड कैरेक्टर चेंज नहीं हो सकता। और आप बार बार जो सर्टन की बात कर रहे, वो एक मिसाल के तौर पर कहा गया जो आज के ऑर्डर में रिफ्लेक्ट नहीं है। सर क्लियरली मैं आपको पढ़ के बता दूंगा, पढ़ के ऑर्डर बताइए। नहीं नहीं सुनिए, नहीं नहीं, आप ऑर्डर पढ़िए। सपोज ऑर्डर पढ़, नो नो सपोज नथिंग, आप ऑर्डर पढ़िए। सर जस्टिस चंद्र, नहीं नहीं, आप ऑर्डर पढ़िए। आप सुनिए, देखिए ऐसा नहीं हो सकता। नहीं 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 नहीं, मैं आपकी बात का यकीन ही नहीं कर सकता। आप आज का जज ऑर्डर पढ़िए, चलिए बताइए मेरे को उसमें क्या है। सर आप कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष को बिना सुने ही उन लोगों ने वहाँ पे अरेंजमेंट्स करने के लिए, वो प्रोटेक्शन करने के लिए कहा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरेंजमेंट्स होने चाहिए वहाँ पे वजू करने के लिए। हाँ, तो सुनिए, जब अहमदी साहब ने कहा कि क्यों अल्टरनेट अरेंजमेंट, तो कोर्ट ने कहा अल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं। सुन तो लीजिए, अल्टरनेटमेंट ने क्यों, जब पूछा गया तो कोर्ट ने कहा कि पानी मुहैया किया जाना चाहिए। पानी कहाँ मिलेगा? पौंड में मिलेगा? नहीं नहीं मिलेगा। पानी पौंड के सामने नल की टूटियां हैं, वहीं पानी मिलेगा, और पानी कहाँ मिलेगा? कोर्ट ने कहा कि हम अल्टरनेटमेंट की बात नहीं कर रहे, कोर्ट ने कहा अभी डायरेक्ट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और उस पौंड के पास और पौंड को और उस पौंड में जो नल की टूटियां हैं
उसको इस्तेमाल करेंगे वजू करने के लिए। सर, ऐसी जो रेफरेंस किया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे, इस पे आपका क्या कहना सर? क्या 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 ये जो प्लस सिंबल जरस्टन सिंबल हाँ? पे पाया गया रेफरेंस के तरीके से? अरे सुनिए सुनिए, देखिए आप देखिए वो उसके लिए लंबी बहस हो जाएगी। आप मेरे को बताओ वो जो आज के ऑर्डर में कुछ है क्या वैसा बताइए सर? रुक जाइए, क्या मुस्लिम पक्ष इस मसले को लेकर एक अलग से कोई मूवमेंट या कोई ऑर्गेनाइज ढंग से इसको स्थापित करने के लिए जो भी कोई अपील दायर करेगा? क्या क्या है फिर से बोलिए। तो 91 का हमेशा हवाला दे रहे हैं, हर मामले में दे रहे हैं हवाला, आपको भी देना चाहिए क्योंकि कानून है वो। तो क्या उसको उसको मुस्लिम पक्ष पूरे टोटालिटी में ऑल इंडिया लेवल पे कोई जाके उस कानून के लिए आप लोग कुछ करने वाले हैं कि कितने कानून को करने क्या हो? वो तो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है, हमको करने क्या जरूरत है? हम इतना ही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह चुका कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का संविधान का हिस्सा है, तो हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि कोर्ट्स वॉक द टॉक करेंगे, बस और कुछ नहीं हमको। वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है पैराग्राफ नंबर 83 में, और ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ साहब उस जजमेंट के जजेस में से हिस्सा थे। आई एम सॉरी, यू आर इग्नोरेंट अबाउट दिस लॉ। यू कैनॉट call the exchanges between the honorable judges and the lawyers as a judgment. Please don't do that. No, don't do that. You are completely on the wrong path. In fact, I am telling you, you will be hauled for contempt of court. Don't do it. Order copy is not out here. So order copy is there. You see on the live law bar and bench. It is there. Go and see it. सुप्रीम कोर्ट में ये तेलंगाना के मुतालिक एक इनकाउंटर हुआ था, उसके मामले पे भी डेवलपमेंट आया। मैं हर एनकाउंटर के खिलाफ हूँ, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू के जमाने में अजीज और आजम का एनकाउंटर हो, चाहे सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर हो, चाहे वो नईम का एनकाउंटर हो, चाहे ये जो शमशाबाद में एनकाउंटर किया गया है। मैं हर एनकाउंटर के खिलाफ हूँ, क्योंकि एनकाउंटर रूल ऑफ लॉ को कमजोर करता है। हम रूल ऑफ लॉ से सरकार चलनी चाहिए, रूल बाय गन से नहीं चलनी चाहिए। बस मैं इतना ही कहूंगा इस मामले में। आप कैसे करेंगे ये? कोई मजाक हो जाएगा कि आप आने 50 साल पहले आपने मथुरा के एग्रीमेंट किया मुसलमानों के साथ, जमीन लिया आपने और वहां पर आपने एक आलिशान मंदिर बनाया, और आप मुकर जाते उस एग्रीमेंट से जिसको कोर्ट से मंजूर करवाया आपने, एग्रीमेंट करके आप मुकर जाते हैं। रॉन्ग है, रॉन्ग है। अरे आपको कानून नहीं मालूम, 91 का एक्ट उसकी इजाजत नहीं देता है, 91 का एक्ट उसकी इजाजत देता ही नहीं है। नहीं डिटेल्स, कोई डिटेल्स आपको पता करना है मैडम तो 91 एक्ट को पढ़ लीजिए। डिटेल्स आपको पता करना है तो पैराग्राफ 84 बाबरी मस्जिद का जजमेंट पढ़ लीजिए, वो डिटेल्स है। बाकी सब आपके दिमाग की इमेजिनेशन है, जिस पर आप अपना वक्त जाय कर रहे हैं और मेरा भी वक्त जाय कर रहा हूँ। करना है, कर सकते हैं, मगर नहीं वो सब वो सब वो सब वो बोले करे नहीं। आप मेरे को ऑर्डर में बताओ, ऑर्डर में लिखा कुछ? आपको बोल दिया आपके स्टूडियो में बैठकर ज्ञान दे रहा, आपको को हिमाकत कर रहा है, अलिफ का नाम भाला नहीं आता, थम्स अप है वो। मगर हमारे जो एडिटर थे, हाँ आपके एडिटर थम्स अप है, आपके एडिटर थम्स अप है, उनको नहीं मालूम। अगर हाँ लीगल एडिटर को क्या बात कर रहे हैं? अरे ऑर्डर में लिखा बोलो, लीगल एडिटर को बताओ बोलो। सर हम कल के रिपोर्ट जो लीक हुआ उसमें साफ-साफ बताया गया है, कम से कम जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि रिपोर्ट को लीक होना नहीं चाहिए। आज सुनिए, नहीं आप कम से कम उसको तो फॉलो करो। आप रिपोर्ट लीक होती यार आप कैरी कर देते, कौन दिया रिपोर्ट आपको मालूम? नहीं नहीं वो स्टे आप जाएंगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, वहां पे सुनेंगे। अब आप रिपोर्ट कैरी कर ले कि अब आपका एंकर जज बन गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आपका राय क्या है इस पे? नहीं मैं सुनिए मेरी राय ये है कि वो रिपोर्ट कोर्ट में पेश ही नहीं हुई,
और जिसको सर्वे कमिश्नर बनाया गया था उसको हटा दिया गया, वो बेचारे को तकलीफ हो गई, पेट में दर्द हो गया, तो उसने अपना गुस्सा किसी और पे निकालने के लिए आप लोगों को अपना मित्र समझकर दे दिया, और आप लोग माशाल्लाह उसके दोस्त निकले, आपने रिपोर्ट को कैरी कर दिया, आपने लाइव कैरी कर दिया, इस बात पर भी नहीं सोचा कि रिपोर्ट कोर्ट में पेश होनी चाहिए, मगर आप लोगों को जल्दी है कि इसका TRP ना बढ़ जाए, मेरा TRP कम ना हो जाए। सर आप मतलब फाइनली बोलना क्या चाहेंगे, फाउंटेन कहां से आ गया सर 200 साल पहले 300 साल पहले? हाँ फाउंटेन कहां से आया 200-300 साल? फाउंटेन 500 साल से है प्यारे। हाँ फाउंटेन सुनिए सुनिए प्यारे सुनिए प्यारे फाउंटेन 500 साल से वहां पे 500 साल से फाउंटेन है प्यारे वहाँ पे। 500 साल है नहीं मैं गलत बोला, मैं गलत बोला, आपको सही कर लिया, 500 साल से है। लेकिन आपने वो भी कहा था कि उतने साल पहले सीमेंट नहीं था, तो फिर अभी फाउंटेन? हाँ बिल्कुल नहीं, औरंगजेब के मरने के बाद सीमेंट आया, तो फाउंटेन को भाई गच्ची से बनता ना, ये इमारत जिसमें बैठे हुए आप, ये भी 100 साल पुरानी मॉन्यूमेंट है। अरे 300 साल से 500 साल भी कर दिया? हाँ बिल्कुल 500 साल अहमदी साहब बोले, आज मैं करेक्ट कर लिया अपने आप को, जस्टिस हमारे एडवोकेट हुदैफा अहमदी साहब बोले कि 500 ईयर्स से मैं वो पॉन्ड को और उस फाउंटेन को यूज कर रहा हूँ। तो कितने साल पहले का है वो? तो स्ट्रक्चर सर हाँ कितने साल पहले का होगा? वो 91 के एक्ट में प्रोटेक्टेड है। हाँ ज्ञान भी पड़े सर? नहीं अब आप देखिए प्रसाद साहब, आप जो है ना आप आला जात के हैं, आप बड़े आदमी हैं, आप जाकर सुनिए सुन तो लीजिए आप क्या सवाल करने वाले हैं। मैं समझ चुका हूँ कितने साल का है नहीं है वो 91 का एक्ट नहीं देखता। सुनिए अरे 91 का एक्ट ये बोलता है कि 15 अगस्त 1947 को मंदिर मस्जिद गिरजाघर जो है वही रहेगा, खिस्सा खत्म पीरियड 15 अगस्त 1947। बस सर अगर 1991 एक्ट जैसा आप बोले अगर वैसी रहता था, अगर डिटरमाइन नहीं कर सकते थे तो फिर सिंपली स्टे कर देता था ना सर सुप्रीम कोर्ट? नहीं, सुनिए अब जब जाएगा ये 7-11, पहले 7-11 डिसाइड होगा। 7-11 क्या है? अरे ठहरो तुम्हारो 7-11 बंबई दिखता, तुम्हारो 7-11 ये है मेंटेनेबिलिटी का, वो डिस्कस होगा पहले। अब होने दो क्योंकि जल्दी क्यों है तुम लोगों को? लेकिन जैसा आप सोच रहे थे कि आज परमानेंट सेल मिल जाएगा, हाँ नहीं मिला सही है, नहीं मिला हमको परमानेंट से नहीं मिला, मगर कोर्ट ने कम से कम वो जज साहब से बड़े जज साहब के ने भिजा दिया। नहीं मिलने का वो भी मतलब है? नहीं, अब देखिए जब डिस्ट्रिक्ट सीनियर जज के पास जाएगा 7-11 पहले डिसाइड होगा, ऑन प्रायोरिटी डिसाइड होगा। हाँ सर मतलब आप फाइनली बोलना क्या चाहते हैं? फाइनली कोर्ट बोलेंगे ना, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, आप फिर करो फिर जवाब दे। तो मैं सर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज रीजनल पार्टीज के बारे में कहा कि दे कैन नॉट ग्रो फर्दर एंड आल्सो द लैंग्वेज इशू पे भी बात की, आप क्या कहना चाहते हैं? हम प्रधानमंत्री से बोल रहे हैं आपकी पार्टी उर्दू से इतनी नफरत क्यों करती है? उर्दू भी तो जबान है इस देश की, उर्दू ने बहुत बड़ा रोल अदा किया भारत की जंग आज़ादी में, तो उर्दू से आखिर इतनी आपको तकलीफ क्यों जाती है बीजेपी को प्रधानमंत्री को? शेर पढ़ना प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट में आता तो उर्दू का शेर पढ़ते वो? हाँ नहीं नहीं उर्दू का शेर पढ़ेंगे जब शेर पढ़ना है, मगर उर्दू को नहीं पसंद करते, ये क्या बात है? आप उर्दू में कुछ बोल दीजिए सर, आप अच्छे से। नहीं नहीं बोल दिया ना, मैं कोई शायर नहीं हूँ, मैं एक सियासतदान हूँ। नहीं जब बोलना है जब बोलेंगे, आप छोटा सवाल है तो आप इसमें शायरी क्यों करूंगा? आपको लगता मुसलमान दिखते हैं कि शेर बोलो? उर्दू जो है ना उर्दू मुसलमानों की जबान नहीं है, उर्दू इस देश की जबान है। हाँ हमेला खवातीन और औरतों के दिगर अमराज बांझपन के इलाज के लिए फैमिली प्लानिंग की मशवरात के लिए बेहतरीन आलात की सहूलत में नॉर्मल और ऑपरेशन से बच्चों की पैदाइश के लिए और जदगी के साथ साथ औरतों के दिगर अमराज के इलाज के लिए खुसूसी नज़्म केरला के मल्टी स्पेशलिटी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तजुर्बेकार डॉक्टर खान सारा नुजरत
महावीर मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम चावलवाला कॉम्प्लेक्स एसबीआई बैंक के ऊपर देगलू नाका नांदेड़। हमारे यहाँ फर्नीचर पलंग सिंगारदान सोफा सेट अलमारी डाइनिंग टेबल कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। प्रोपराइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस फ्रूट मार्केट के सामने माल्टीगिरी रोड कामठा नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।